दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा स्वयं को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्ले करने में फैसला किया, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग पर आए स्वयं गोयल और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 38 गेंदों में 34 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाया और उन्होंने इसी बीच 4 चौके 2 छक्के की मदद से 34 रन बनाए और शुभम गिल ने तो सबको पीछे पछाड़ दिया। शुभम गिल ने रोहित शर्मा और शुभम गिल की बहुत तीन पारी के आगे टीम इंडिया बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गई। शुभम गिल ने 2 से 8 रन बनाए 149 गेंदों में 19 चौके 9 छक्के की मदद से। दोस्तों आज तक इतनी कम गेंदों में किसी ने ऐसे तक नहीं मिला जलाता, उन्होंने दोहरा शतक जड़ दिया है। दोस्तों विराट कोहली अपना कुछ खास नहीं कर सके और मात्र 10 गेंदों में 8 रन बना के आउट हो गए और ईशान किशन 14 गेंदों में 5 रन बना के आउट हो गए। उनके बाद सूर्य खिलाड़ी खेलने आए जो T20 के बादशाह सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 32 रन बना के आउट हो गए 4 चौके में जड़े होने के दौरान। उन्होंने हार्दिक पांड्या 38 गेंदों में 28 बना के आउट हो गए 3 चौके की मदद से। वाशिंगटन सुंदर 14 गेंदों में 12 रन बनाए और भी आउट हो गए। इसी बीच टीम इंडिया ने 349 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, जिन्हें सबसे ज़्यादा रन 2 से 8 रन की पारी खेली थी शुभम गिल ने। शुभम गिल ने अपनी इतनी बेहतरीन पारी खेली है इसमें, जो न्यूजीलैंड को याद रहेगा इस मैच को। और न्यूजीलैंड के दौरान उन्होंने शुभम गिल ने 2 से 8 रन की पारी खेल दी है। 2 से 8 रन उन्होंने इतने महत्वपूर्ण बनाए जिस टीम इंडिया बहुत बुरी स्थिति में थी और 2 से 8 रन छोड़कर टीम इंडिया बहुत कम बना पाई। दोस्तों अकेले ही शुभम गिल ने टीम इंडिया को जिस स्थिति में पहुंचा दिया है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं रोहित शर्मा शुभम गिल ने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।